हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। ये हमारे पास कमेंट आया, इन्होंने लिखा है, भाई अगर कोई सामान 22 रुपये में 100 ग्राम मिलता है तो केजी का रेट क्या होगा, इजी तरीका बताएं। तो इनका कहने का मतलब है कि 100 ग्राम का रेट इन्हें मालूम है तो 1 किलो का रेट कैसे करें, ठीक है, कैसे निकालें। तो हम चलते हैं अपने कैलकुलेटर पर, आप ध्यान से देखें। जैसे कोई भी सामान रहने दो, पहले लगाना है आपको पैसा, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे 22 रुपये का है तुम्हारा 100 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ आपको भाग का चिन्ह लगाना है, ठीक है। जितना रेट है पहले रेट लिख लो, उसके बाद में भाग का चल लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने ग्राम है वो लगा लेना है। जैसे 100 ग्राम बताइए तो आप 100 ग्राम लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखो 100 ग्राम लग गया, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ गुणा का चल लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको गुणा का चल लगाने के बाद में यहाँ पर 1000 लिख देना है पीछे, ठीक है। तो 1000 का मतलब होता है, मान लो ये हमने 1000 लगाया, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम के हिसाब से ये हो गया 1 किलो, ठीक है। 1 किलो में 1000 ग्राम रहता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नीचे रेट आपका निकल के आ गया है, देखो यहाँ पे 220 रुपये, ठीक है। ऐसे आप किसी भी सामान का रेट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये 220 रुपये किलो पड़ गया, तुमने 1 केजी का निकाल लिया। यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का, एक बार और समझा देते हैं कोई लेके सामान, ठीक है। मान लो कोई सामान है 25 रुपये का और 250 ग्राम है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या 25 लगा लिया पहले रेट है, फिर लगाए भाग का चिन्ह, और 250 ग्राम है तो यहाँ देखो 250 लिखना पूरे, ठीक है, 250 लगा लिया। उसके बाद में आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, उसके बाद में 1000 लिख देना है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम रहता है तो 1 किलो का रेट निकल आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, देखो ये 1000, ठीक है। तो ये देखो 100 रुपये किलो ये तुम्हारा सामान पड़ गया, ठीक है। इस हिसाब से आप कोई भी सामान का रेट निकाल सकते हैं, 100 ग्राम हो या 250 ग्राम हो, उसका पहले रेट लगा लें, उसके बाद भाग का चिन्ह, और जितने ग्राम है वो लिख लें, उसके बाद में गुणा का चिन्ह, उसके बाद में 1000 ग्राम लिखोगे पीछे तो 1 किलो का रेट निकल आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। और आपके मन में कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड।